हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कल मैं आप लोगों को इस पार्ट साइकिल की 7वां लेसन है साइकिल की सवारी। इस पार्ट का मैं आप लोगों को शब्दार्थ को लिखवा चुकी हूँ। आज मैं इस पार्ट का कहानी आप लोगों को बताने जा रही हूँ। कहानी प्रस्तुत कहानी साइकिल की सवारी में लेखक ने अपनी आप बीती घटनाओं का वर्णन किया। लेखक जो भैया जो कहानी जो है उसमें लेखक जो है अपने आप जो घटना घट चुकी है उसके बारे में क्या क्या वर्णन किया है। लेखक जब अपने पुत्र को साइकिल चलाते देखता है तो उसके मन में हीनता का भाव जन्म लेता है कि हमारे भाग में दो विद्याएं साइकिल चलाना और हारमोनियम बजाना नहीं दिखाता। जब लेखक जो है जब अपने पुत्र को देखते हैं कि हम साइकिल नहीं चलाते कि हमारा पुत्र जो है साइकिल चला रहा है तो उनको मन में यह भावना जाती है कि जीवन में मैंने दो काम नहीं सीखा, एक साइकिल चलाना और दूसरा हारमोनियम बनाना बजाना। इसलिए लेखक ने साइकिल चलाना सीख लेना करने का तब उस समय जो उनको मन हुआ तो उस समय जो लेखक मन बनाए कि हम भी इस बुढ़ापे में भी साइकिल चलाना सीखूंगा। सन 1932 की बात है या कब की बात है, 1932 हमारे देश आज़ाद होने की पहले की बात है। लेखक ने मन में ख्याल आया कि क्या हमें जमाने में भी फिर रह गए और साइकिल नहीं चलते, क्या हम इस जमाने में भी वैसे ही रह गए, साइकिल चला साइकिल चलाना भी नहीं सीखे। इसी कारण उन्होंने निश्चय कर लिया चाहे जो भी हो जाए साइकिल चलाना सीखेंगे। इसी कारण उनका कहा या पैर टूटे या कुछ भी हो लेकिन मैं साइकिल चलाना जरूर सीखूंगा। दूसरे दिन लेखक ने अपने फटे पुराने कपड़े की तलाश की और उन्होंने श्रीमती जी के सामने मरम्मती के लिए पटक दिया। फटे पुराने साइकिल गिरेंगे तो नया कपड़ा नहीं फटेगा, पुराना कपड़ा ही काम है। इसलिए पुराना कपड़ा को तलाश किया और अपने श्रीमती को उसे मरम्मत करने के लिए दे दिया। पत्नी के पूछने पर लेखक ने बताया कि वह साइकिल चलाना सीखेंगे। पत्नी ने कहा मुझे तो आशा नहीं कि आपसे यह बेल मत्थे चढ़ सके। पत्नी यह बात सुनकर हंसने लगी कि हमको यह मालूम नहीं कि आप इस बुढ़ापे में साइकिल चलाना सीख जाएंगे। लेखक ने कहा साइकिल सीखते समय एक आध बार गिरना स्वाभाविक है। जो भी आदमी जो काम सीखता है साइकिल चलाना कुछ भी तो एक बार दो बार गिरता जरूर है। इसलिए बुद्धिमान लोग पुराने कपड़ों से काम चला, इसलिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं वह नए कपड़े नहीं, पुराने कपड़े फटेंगे तो कोई बात नहीं है। जो मूर्ख होते हैं वही नए कपड़े पहनकर साइकिल चलाना सीखते हैं। लेकर कहीं आया जो मूर्ख होते हैं वह नए कपड़े पर सीखते हैं, इसलिए मैं बहुत चलाक हूँ पुराने कपड़े को। लेखक ने इस युक्ति पर पत्नी ने कपड़ों की मरम्मत कर दी, साइकिल चलाना सीखने की तैयारी शुरू हो गई। लेखक ने बाजार जाकर चंपक के दो डिब्बे खरीद लाए ताकि चोट लगने पर उसी समय इलाज किया जा सके। दवा का डिब्बा खरीद लाए जिससे चोट लगने पर वह हो सके। लेखक ने कहा ख्याल आया कि साइकिल की सवारी सीखने का कोई आदमी नज़र नहीं आता था और जो सिखाने में मदद करे। तिवारी जी ने विरोध बताते हुए कहा मेरी मानो तो रोग ना पालो, इस आयु में साइकिल पर चढ़ोगे। तिवारी जी के इस उत्तर का प्रतिकार करते हुए लेखक ने कहा भाई तिवारी हम तो जरूर सीखेंगे, कोई आदमी बताओ। आदमी तो ऐसा है कि एक मगर फीस लेकर सिखाएगा, तो आदमी तो सिखाने वाला है लेकिन उस सिखाने का पैसा लेगा, फीस दोगे। लेकिन तिवारी जी ने पूछा वह कितने दिनों में सिखाएगा और कितनी फीस लेगा। तिवारी जी ने बताया कि 10 दिनों और 20 रुपये लेगा, 10 दिन में सिखा देगा लेकिन उसका फीस है 20 रुपया। यह सुनते ही लेखक का मन में विचार आया कि यदि ऐसी 3-4 ट्यूशन मिल जाए तो महीने में 200-400 रुपये आय हो सकती है। मन ही मन खुश हो रहा था कि साइकिल चलाना आ जाए, एक ट्रेनिंग स्कूल खोलकर 3-4 रुपये मासिक अभी साइकिल सीखेंगे। तभी उनके मन में बहुत सा ख्याल आ गया कैसे ये ट्रेनिंग कॉलेज खोल लेंगे तो हमको बहुत सा आमदनी होगा। इस साइकिल सीखने की इस खुशी में लेखक के रात भर नींद नहीं आए। रात भर अब सपने में देखा कि एक साइकिल से रात भर गिर कर जख्मी हो गए। सवेरे मिस्त्री के यहाँ साइकिल आई, पुराने कपड़े पहन लिया, चंपक का डिब्बा जेब में रखा और लाइसेंस बाग की ओर चल पड़े। लेकिन निकलते ही बिल्ली रास्ता काट देती तो लोग अब तुम मानते हैं उस तरह जब लेकर लेकर रहे थे बिल्ली ने रास्ता काट दी। कुछ देर बाद भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ा। इस बार भी लोगों की हंसी का पात्र बनना था क्योंकि लंगड़ाते हुए। लेकिन दूसरे दिन गांव का
पर साइकिल गिर जाने से जख्मी हो गया, लंगड़ाते हुए घर आया, लेकिन साहस और धैर्य से कष्ट सहन करते हुए साइकिल सीखना जारी रखा। पैर हाथ में दर्द टूट गए, लेकिन वो साइकिल सीखना लेखक जो है नहीं छोड़े। 8-9 दिनों में साइकिल चलाना सीख गए, लेकिन अभी उस पर चढ़ना नहीं आता था। अभी ऐसे कैसे चलाते थे, उस पर सीट पर बैठ कर चलाना नहीं आता। जब कोई सहारा देता तो उसे चला लग जाते। इस समय उनकी आनंद की कोई सीमा नहीं रहती। अब लेखक मन ही मन काफ़ी प्रसन्न था, लेकिन हाल यह था कि जब कोई 100 वर्ष के फासले पर होता तो गला बार बार कर चिल्लाने लगता था, हट जाओ आगे से, हट जाओ। साइकिल से उतर जाने का लेखक ने उत्तर दिया, अब चलाना सीखा, चढ़ना नहीं। अब चलाना तो सीखा लेकिन चढ़ना नहीं जानते थे। यह कहते हुए आगे बढ़ा, सामने की एक टांगा आगे दिखाई दिया। एकाएक बड़ भर उतारो हम तथा सवारी साइकिल दोनों टांगे चढ़ गए। एक टांगा का साइकिल सामने आ गया, टांग घोड़ा जो है भड़क उठा और साइकिल जो है टांगे के नीचे गए। होश आने पर देखा कि हमारे देह पर कितनी पट्टियाँ बंधी थी। हमें होश में देखकर श्रीमती जी ने कहा, अब यह क्या हाल है। वह जो थी टांगे पर उनकी पत्नी ही बैठी हुई थी। जब देखे उन्होंने उसको लेकर हॉस्पिटल ले जाकर पट्टी लगवाया तो बाद में होश आया, देखे कि पट्टी बनी हुई थी। उनके श्रीमती जी ने कहा, अब क्या हाल है। अब लेखक ने तिवारी जी के दोस्त ढूंढने का प्रयास किया तो श्रीमती जी ने कहा कि यह दोस्त तिवारी जी के है। तो मुस्कुराते उनकी पत्नी ने कहा, उस टांगे पर बच्चों के साथ मैं ही सैर कर रही थी, सैर भी कर लेंगे और तुम्हें साइकिल चलाते हुए देख भी लेंगे। नीचे आके और साइकिल चलाना बंद कर दिया। उस दिन से लेखक जो है साइकिल चलाना बंद कर दिया। यही साइकिल की सवारी की कहानी है। इसे आप लोग अपने किताब से अच्छे से पढ़ लीजिएगा और कोमल ने आगे पढ़िए। जो भी प्रश्न आपको लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा जाए उसका जवाब लिख के मैं व्हाट्सएप पर डाल दीजिए। अब नेक्स्ट दिन आपको इस पाठ का प्रश्न उत्तर कराऊंगी। आज का प्रश्न ओके।